कपड़े के गोदाम में अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रावस्ती तक न्यूज। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बुलंदशहर जनपद के साठा अंतर्गत सुभाष नगर में स्थित एक कपड़े की स्टिचिंग यूनिट के गोदाम में अज्ञात कारणों से भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम में भरे कपड़े लोबरों ने भयंकर आग पकड़ लिया। आग इतनी बेकाबू हुई कि ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। बताया जा रहा है कि उसमें काम करने वाला एक युवक भी झुलस गया है। वहीं पड़ोसियों ने एक साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु असफलता हाथ लगी। लोगों की सूचना पहुंची दमकल ने, के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनका बुरा हाल हो गया। आग लगने के कारण 25 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आग के कारण दीवारों का प्लास्टर उजड़ने लगा। वहीं अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जी, क्या नाम है आपका? विवेक गोस्वामी। यहाँ पर आग लगी है, कैसे लगी, कौन है आप, ये बता दें। मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ, दो घर छोड़ के मेरा घर है। और भैया, मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ शायद, जिससे कि मतलब इसमें से धुआं निकलने लगा फैक्ट्री में से। SF फैब्रिक के नाम से फैक्ट्री है यहाँ हमारे पड़ोस में, तो उसमें से धुआं निकलने लगा। तो सब लोग आस पड़ोस के भाग के यहाँ पर आए, उन्होंने देखा भाई धुआं निकल रहा है शायद कमरे से। तो उन सब ने आकर जब दरवाज़ा खोला, तोड़ा वो दरवाज़ा, तो उसमें आग इतनी ज़बरदस्त थी कि देखा नहीं जा रहा था। कैसे बुझाई आग? सब मोहल्ले वालों ने, पड़ोस वालों ने, सब जो है एक जगह समर चलाए, किसी ने कुछ करा, किसी ने बाल्टी पकड़ी, सब ने मोहल्ले वालों ने काबू पाया आग पर। फायर ब्रिगेड को बुलाया? फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन फायर ब्रिगेड जब तक आती उससे पहले मोहल्ले वालों ने काबू पा लिया था। फायर ऑफिसर भी आए थे, वो सब कुछ अपने कार्रवाई जो करनी थी उन्हें वो करके ले गए। लेकिन फायर ब्रिगेड नुकसान अगर आप सोचो तो करीब, मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है, करीब 22 से 25-30 लाख रुपए के आसपास तक नुकसान होगा इनका।